नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमालय में पांचवें धाम के रूप में स्थापित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। इस साल चार धाम में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिनकी व्यवस्था बनाने में सरकार, प्रशासन और उससे जुड़े विभागों के पसीने छूट रहे हैं। हेमकुंड साहिब में भी इस साल भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विचार विमर्श कर फैसला लिया कि इस साल 22 मई से शुरू होने जा रहे यात्रा में एक दिन में 5,000 सिख श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मत्था टेक सकते हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत बिंद्रा ने कहा है कि चारधाम यात्रा की तरह इस साल हेमकुंड साहिब में भी भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यहां आने वाले सिख श्रद्धालुओं को यात्रा में आने पर कोई दिक्कत ना हो और कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श कर प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा अधिक सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था नहीं टेक सकते। इसको लेकर श्रद्धालु को उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जो किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब लक्ष्मण झूला मार्ग ऋषिकेश में लगाए गए पंजीकरण केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा आरंभ हो रही है और यात्रा को हरी झंडी देने के लिए 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से मानयोग गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी और मानयोग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी संगतों को हरी झंडी दिखाकर अगलेरी यात्रा के लिए रवाना करेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट और सरकार द्वारा मिल बैठकर फैसला किया कि इस साल प्रतिदिन 5,000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे कर सकते हैं और उसके लिए सरकार के द्वारा दो वेबसाइट बनाई गई है। पहली वेबसाइट है registrationtouristcare.uk.gov.in। लखनऊ की पब्लिक से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने खास बातचीत की है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जहां सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हिंदू अपना मंदिर को लेकर प्रदर्शन और याचिका दायर कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सर्वे की परमिशन भी लेकर लगातार बातचीत हो रही है। मिलने के बाद एक तरफ हिंदुओं में जहाँ खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वही दूसरे पक्ष मायूस नजर आ रहे हैं। वही कुतुब मीनार से लेकर और ताजमहल को लेकर, जहाँ ताजमहल को हिंदू जो बता रहे हैं कि वो तेजो महल है और सुर्खियों में तेजो महल जो है वो बना हुआ है। ऐसे में लखनऊ की सड़कों से वहां पर माहौल कैसा है, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी हिमांशु गर्ग ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है लखनऊ की जनता का इस पूरे विषय पर। हम काशी की बात करते हैं तो काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर विवाद चल रहा है, जहाँ पर जांच सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद जांच को रोक दिया गया है। वहीं अगर मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में भी सालों से विवाद चला आ रहा है जो कोर्ट में चल रहा है। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो ताजमहल में याचिका डाली जा चुकी है। इसी के लेकर के कुछ हिंदू पक्षकार जो हिंदू मंदिर जो अपना मंदिर देखते हैं वो प्रदर्शन भी कर रहा है, मतलब कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या है मामला, उनसे जानेंगे क्या है उनकी राय। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल में स्वागत है। ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद पर याचिका डाली गई थी, जो सर्वे है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? भाई साहब, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, अगर उसका सर्वेक्षण कराया जाए तो उसके अंदर श्रृंगार गौरी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ निकलेंगी। चूँकि लोगों को ये मालूम है, जो वहाँ का मोहंडन पक्ष है वो विरोध इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम कि सत्य क्या है। अगर उस सत्य में अगर वो मस्जिद है तो उनको फिर विरोध करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, सीधे सीधे जांच करवा लेते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और आपको मैं जहां तक बताऊं कि मुख्य मुख्य जो मस्जिदें हैं हिंदुस्तान की, वो ज़्यादातर जो है मंदिर तोड़ करके ही बनाई गई हैं, क्योंकि जिस समय औरंगजेब का शासन था उस समय उन्होंने सबसे ज़्यादा काम यही किया था कि मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। तो आज की डेट में अगर हिंदू लोग चाहते हैं कि जो उनका हक है, उनके मंदिर हैं, उनको खाली किया जाए, उनके प्रार्थना स्थलों को खाली किया जाए। मंदिर वैसे विवादास्पद इसलिए हो रहे हैं कि किसी समय जब मुसलमानों के यहाँ पर शासन था, काफ़ी समय रहा है, तो काफ़ी मंदिर तोड़े गए। चूँकि उस समय शासन में हिंदू लोग नहीं थे तो वो लोग उस समय विरोध नहीं कर पाए। अब सरकारें जो हैं वो सब देख रही हैं, हिंदू भी जागृत हुआ है कहीं ना कहीं, वो भी अपने धर्म की चीज़ों को लेना चाहता, वो चाहता है कि जहाँ हमारे मंदिर हैं उनकी पूजा पाठ करें। अब आप स्वयं देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद जमाने से कही जा रही थी, कहीं ना कहीं वो भी मंदिर तोड़ करके ही बनाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसका जब निष्कर्ष निकाला तो उस समय देखिए वो मंदिर ही निकला।
मस्जिद से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मस्जिद वहाँ हो जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ इबादत करी जा सके। अगर किसी विवादास्थल स्थल पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसका फ़ायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं मिलता है। ये बात मुसलमान भी कहते हैं कि किसी चीज़ को नष्ट करके अगर हम अपनी कोई चीज़ बनाते हैं तो गलत है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि सर्वे करा लेना चाहिए, और अगर मंदिर है उसमें तो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, स्वतः सौंप देना चाहिए, इसमें कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। वहीं अगर ताजमहल की बात करें, क्योंकि ताजमहल 22 कमरे बंद है, उसके लिए याचिका डाली गई थी, कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो याचिका खारिज कर दी है। ताजमहल में याचिका जो कोर्ट ने खारिज करी है तो उसका ये था कि जो लोग याचिका डालने गए थे उन्होंने उसकी पूरी तैयारी नहीं करी थी। 22 कमरे बंद क्यों हैं, कितने साल से बंद हैं, उसके नीचे क्या क्या है, मकबरा है कि नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं उसमें शिवलिंग है इसलिए वो बंद है, तेजो महल है, लेकिन अगर उसका सर्वे कराया जाए ये बात तभी स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस समय मुगल का शासन यहाँ पर था तो उस समय औरंगजेब का शासन था, उन्होंने काफ़ी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसकी जांच की जाए, सर्वे की जाए, अगर सर्वे में मंदिर पाया जाता तो मुस्लिम समुदाय को वो स्वतः मंदिरों को हिंदुओं के में सौंप देना चाहिए, जिससे उनकी भी आस्था कहीं ना कहीं खंडित ना हो, ख़राब ना हो, और दोनों को ही आस्था बरकरार रहे, क्योंकि ये लखनऊ है, लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब लगातार देखी जाती है, और ऐसे ही गंगा जमुनी तहजीब लगातार बना। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में मामूली विवाद में हुए कैंप कर्मचारी यशवंत सिंह नेगी हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों में से 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि 14 मई को अजय चौहान, अभिषेक और नवदीप द्वारा कैंप कर्मचारी यशपाल सिंह नेगी, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसकी चाकू मारकर हत्या करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। संबंध में प्रभावी सुराग मिलने पर 15 मई को नामजद अभियुक्त अजय चौहान उर्फ अज्जू, जो कि ओम प्रकाश चौहान का पुत्र है और चंदपुरी अंबाला कैंट का रहने वाला है, हाल में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। 13 तारीख की रात को बट्टूगढ़ में दो कैंप वालों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें जो है एक लड़के के चाकू मार दिया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें 3 लोग नामजद और एक अज्ञात था, तो उसमें से एक हमने अशोक चौहान को जो है गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की गिरफ्तारी का प्रयास किया। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं मिलने से हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर दिया। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीर्थयात्रियों को शांत कराने की कोशिश की गई, मगर तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े हैं। तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और धरने से उठाने की कोशिश की गई तो वो जान भी दे देंगे। भगवान के लिए आए हैं और दर्शन किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सरकार को की व्यवस्था के हिसाब से चलना था तो पहले ही पंजीकरण के एडवांस बुकिंग की जानी सार्वजनिक करनी चाहिए थी। 1000 रुपए खर्च करके वो हैदराबाद से ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, अब यहां रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता। तीर्थनगरी ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के मद्देनजर और साथ ही साप्ताहिक छुट्टियों के होने के साथ साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। अगर बात करें चारधाम की तो चारधाम के लिए लगातार यात्री लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, और साप्ताहिक छुट्टी होने के साथ साथ लोग यहां पर राफ्टिंग कैंपिंग के लिए हर हफ्ते आने की अच्छी खासी भीड़ लगा रहे हैं, जिस वजह से ऋषिकेश में जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं पुलिसकर्मी लगातार गर्मी और धूप को झेलते हुए लगातार ट्रैफिक को डाइवर्ट करके सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की मेहनत और स्थानीय लोगों का सहयोग जाम को न लगाने के लिए सहयोग करता है, लेकिन अकेली पुलिस इस काम को नहीं कर पाएगी। जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आम जनता यूं ही परेशान रहेगी। रुद्रपुर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने गृहस्वामी से जान की परवाह किए बिना मुकाबला कर लिया और उसने तमंचा छीन लिया और शोर मचाया, जिसे सुन आसपास के लोगों को आता देख बदमाश भाग गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चमोली के विकासखंड नारायणबगड़ के 30 विद्यालयों में पिछले दिनों हुए सोशल ऑडिटिंग के रिपोर्ट पर विकास भवन सभागार में आयोजित इस ज्यूरी के समक्ष सोशल ऑडिट टीमों ने विद्यालयों में पाई गई कमियों और अन्य बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से रखा है। समस्याएं आ रही ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ, जैसे
फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आ रही है कि वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसमें ऐसा कहना है कि काफ़ी साल पहले इनको दिया गया था, अब ये 2 साल या 3 साल में ही एक्सपायर हो जाते हैं, फिर इनको रिफिल करने के लिए कोई पैसा सरकार की तरफ से स्कूलों को नहीं दिया जाता है, तो ये एक समस्या तो है। लेकिन इसकी जगह जो है रेत की बाल्टियाँ, पानी की बाल्टी, तो इसकी व्यवस्था वहाँ कर ली जाए, थोड़ा सा फावड़े वावड़े ऐसे रख दिए जाएँ ताकि आग को बुझाया जा सके, तो उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि MDM में भी शिक्षकों ने शिकायत की कि उनको जो किराया भाड़ा है वो नहीं मिल पाता, उसमें क्या करना जी? किराया भाड़ा दरअसल जो किराया भाड़ा क्या नाम उसको मिलता है, क्या नाम डीलर को मिलता है, वो उनके विभाग से मिलता है। यहाँ इधर से जो है हमारे शासन की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से पैसा जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है, उनके विभाग के खाते में। सबसे पहले तो एक खाद्य संबंधी आई थी प्रॉब्लम कि समय से खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम DSO को कहेंगे कि समय से खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए, क्योंकि राज्य स्तर से खाद्यान्न का जो अलाटमेंट हो जाता है वो अप्रैल से और सितंबर तक का हो चुका है, और हमने मार्च में ही DOBC को और DSO को भेज दिया था, तो क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार ने जो है DSO को दी है कि विद्यालय तक खाद्यान्न पहुंचाने का, तो हमारे स्तर से राज्य स्तर से तो पर्याप्त है, अब वो हम जाके अब फील्ड में आए, अब पता चला है तो इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। भाड़ा का तो इसमें हमने जनपदों को कह दिया है कि जनपद की अपनी टीम है जो विद्यालय से लेके और डीलर से लेकर विद्यालय तक के लिए जो खाद्यान्न भुगतान होना वो कितना होना है। उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शनों के लिए सरकार के द्वारा तय की गई निर्धारित संख्या तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। निर्धारित संख्या की जानकारी के अभाव में यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को पंजीकरण और स्लॉट बुक कराने के लिए कहा जा रहा है, जो तीर्थयात्रियों के लिए और यमुनोत्री के शर्ट और पंजीकरण जून माह तक बुक हो चुके हैं। अभी फिलहाल बद्रीनाथ और गंगोत्री के पंजीकरण की तिथि भी आगामी 5 दिन बाद की मिल रही है। ऐसे में यात्री BTC परिसर में भटकने को मजबूर हैं। वहीं रोटेशन व्यवस्था समिति को भी सरकार के इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने सरकार से इस नियम में बदलाव करने की मांग की है। कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था से चारधाम यात्रा लड़खड़ा गई है, वाहन चालकों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तीर्थयात्री भी यात्रा किए बगैर वापस लौट रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।